नमस्कार, मैं डॉक्टर यन शर्मा आज आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा कोविड वैक्सीन को लेकर और इसके द्वारा जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनती है। क्योंकि लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियाँ आ गई हैं कि अगर हमको एक बार कोविड हो गया तो हमको दोबारा इसका इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। तो आज की जानकारी आपको इसी विषय पर है कि करोना वैक्सीन की वजह से जो हमारे अंदर एंटीबॉडी बनती है और कोविड इन्फेक्शन की वजह से जो हमारे अंदर एंटीबॉडी बनती है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और दोनों हमको कितना प्रोटेक्शन देती हैं, हमारे शरीर में ज़्यादा दिन तक काम करती है, ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है और कोविड वायरस से हमारी ज़्यादा दिनों तक रक्षा करती है। अगर आप यह सब जानकारी हमेशा सुनना चाहते हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, लाइक न किया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जानकारी नहीं पहुंच सकती है और वह चिकित्सा सुविधा से वंचित हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिल सके। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, लोगों के मन में क्यों गलत धारणा है। सबसे पहले ये है कि अगर हमको कोविड का इन्फेक्शन हो गया तो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी बनती है नेचुरल तरीके से, वह हमेशा काम करती है और हमको दोबारा कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है और यह गलतफहमी है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो हमारे शरीर में नेचुरल रूप से एंटीबॉडी बनती है वह 3 से 4-5 महीने तक ही रहती है और यह धीरे 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 कम होने लगती है, जिससे हमको कोविड का इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है और हम दोबारा उसी तरह से फिर से बीमार हो सकते हैं कोविड वायरस की वजह से। और दूसरी जगह यह देखा जाता है कि जो एंटीबॉडी हमको वैक्सीनेशन के द्वारा बनती है वह फर्स्ट डोज लेने के बाद धीरे धीरे बनने लगती है और सेकेंड डोज लेने के बाद पूरी तरह से बन जाती है, जो बहुत समय तक लॉन्ग लिस्टिंग और कई सालों तक काम करती है हमारे शरीर में कोरोना वायरस के अगेंस्ट। इसलिए मैं आपको एक साधारण शब्दों में समझाना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन के द्वारा जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनती है वह बहुत ही अच्छी है और जो हमको कोविड वायरस के इन्फेक्शन के द्वारा जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है वह केवल कुछ समय के लिए ही है। इसलिए अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है और आपने अगर फर्स्ट डोज ले ली है या नहीं भी ले ली है, तो इसके फर्स्ट सिम्टम आने के 30वें दिन बाद आप कोविड का वैक्सीन का डोज ज़रूर लें। कई लोग यह सोचते हैं कि अगर हमको एक बार कोरोना हो जाए तो हम दोबारा अफेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भी सर्वे और जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, यह एंटीबॉडीज जो नेचुरल तरीके से बनती है वायरल इन्फेक्शन के द्वारा वह कुछ समय के लिए ही रहती है, हमेशा के लिए नहीं रहती है। केवल वैक्सीन के द्वारा बनी हुई एंटीबॉडीज़ हमेशा वर्क करती है और अच्छा प्रोटेक्शन देती है। इसलिए कोविड वैक्सीन का आप दोनों डोज लगवाएं, फर्स्ट डोज भी और सेकेंड डोज भी, जिससे आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो सकें। वैक्सीन के साथ साथ आपको प्रॉपर सेफ्टी भी रखनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप मास्क का प्रयोग करें, भीड़ वाली जगहों पे जाने से बचें, प्रॉपर हैंड सैनिटाइज़र करें, कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ को साबुन से ज़रूर धुलें। वैक्सीन लेने से आपको बेनिफिट यह होता है कि अगर आपने वैक्सीनेशन के दोनों डोज ले ली है, अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन होता है उसके बाद भी आपको बहुत माइल्ड सिम्टम्स आएंगे, जिस पे जान जाने का खतरा बिल्कुल नहीं रहेगा और आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। आपको बहुत माइल्ड सिम्टम आएगा जिससे आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा समस्या आपको नहीं होगी। अगर आप वैक्सीन नहीं लेते हैं तो ये समस्या आपकी कई गुनी बढ़ सकती है। इसलिए आप अगर अपना वैक्सीनेशन नहीं कराए हों तो अपने नज़दीकी वैक्सीन सेंटर पर जाकर तुरंत अपना वैक्सीनेशन कराएँ और दोनों डोज अवश्य लें। साथ में अपने आस पड़ोस, अपने मित्रों, अपने बंधुओं को भी इस कोविड वैक्सीन को लेने के लिए प्रेरित करें, जिससे हमारा पूरा देश
इस कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट हो जाए और पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाए, जिससे यह जो तीसरी लहर आने वाली है पूरी तरह से निष्फल हो जाए। यह तभी हो पाएगा जब हम पूरा प्रोटेक्शन, सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो जाता है, तो हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट हैं। नमस्कार।